एक मन के और रस्तियों का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्राचीन भारत की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की एक सबसे विकसित सभ्यताओं में से। प्यारे बच्चों, इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी, आपको पता है सिंधु नदी ज़्यादातर पाकिस्तान के एरिए में से भारत से पाकिस्तान की तरफ जाके बहती है, उसके आसपास के स्थलों पे हुआ। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो मैं इशारा है ये सिंधु नदी है, इसके आसपास देखो ये सारे जितने भी ये हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हैं। कुछ ये अफगानिस्तान के एरिए में भी जाके हैं, कुछ गुजरात वगैरह में हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी के आसपास के एरिए में फैली हुई सभ्यता है। ये गुजरात के आसपास के क्षेत्र है, इधर अफगानिस्तान में भी फैली है, ज़्यादातर उसके आसपास है। तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये लोग इस प्रकार अपना निर्वाह करते थे, जैसा कि मैंने बताया ये एक विकसित सभ्यता थी, यहाँ उन्नत खेती थी, पशुपालन था। तो ये निर्वाह कर इस प्रकार करते थे, एक कई प्रकार के पेड़ पौधों के उत्पादन, वो जानवर जैसे मछली है ये पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। अर्थात इस समय के लोग पेड़ पौधों के उत्पाद यानी कि फल सब्जियां इत्यादि अनाज इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करते थे, और जानवरों की का मांस खा के अपना गुजारा करते थे। दूसरा, इस सभ्यता में जले हुए अनाज के दाने और बीज पर्याप्त संख्या में मिले हैं, अर्थात इसका संकेत है कि वे अनाज को पकाकर खाते थे। कौन कौन से अनाज मिले हैं ये जो पर्याप्त मात्रा मिली है, इसके अलावा दाल, सफ़ेद चना, तिल बहुत ही ज़्यादा संख्या में इस सभ्यता के शहरों से प्राप्त हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इनका मुख्य भोजन था। इसके अलावा गुजरात के क्षेत्र से गुजरात से बाजरा भी मिला है, लेकिन चावल बहुत ही कम मात्रा में इस सभ्यता में पाया गया है। प्यारे बच्चों, हमें जानवरों की हड्डियाँ, कौन कौन से जानवर की हड्डियाँ मिली है जो पालतू जानवर थे, भेड़ बकरी भैंस और सुअर की हड्डियाँ पर्याप्त मात्रा मिली, अर्थात इससे हम समझ सकते हैं कि ये इनका मांस का प्रयोग करते होंगे। जबकि जंगली जानवर जंगली सुअर है, घड़ियाल है, हिरन के भी हमें संकेत मिले हैं। अब ये स्पष्ट नहीं है कि ये इनका शिकार करते थे, इन जानवरों का जो जंगली जानवर का शिकार करते थे, या ये मरे हुए जानवरों का उपयोग करते थे, इस बारे में स्पष्ट संकेत शिकार करने के नहीं मिल पाए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने निर्वाह के तरीके में जो जो पढ़ा मैं एक बार बता दूँ। हमने शुरुआत में पढ़ा कि सिंधु नदी के आसपास होने का कारण से सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हमने मैप में भी देखा कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ये फैली हुई थी। निर्वाह में इनमें पेड़ पौधों के उत्पाद, इसके अलावा जानवर मिले हैं, मछली प्रमुख है, जल खाते मांस भी खाते थे, अनाज जले होने के कारण जले अनाज के दाने के कारण कह सकते हैं पका कर खाते थे अनाज, गेहूँ जो दाल सफ़ेद चना तिल इनका मुख्य भोजन था, बाजरा भी गुजरात के क्षेत्र में होता था, चावल कम मात्रा में मिला है, जानवर पालतू भी थे, भेड़ बकरी भैंसों सोने का भी संकेत मिले हैं, वो जंगली सुअर घड़ियाल और हिरण के भी संकेत इसमें मिले हैं, अर्थात इनके निर्वाह के तरीका हम समझ सकते हैं। इसके बाद खेती, इस सभ्यता की खेती अपने समय की उन्नत खेतियों में मानी जाती थी। इस सभ्यता में बैल दिखा रखा है, इस प्रकार के बैलों के बहुत ज़्यादा चित्र आकृतियाँ में बैलों के मिले हैं, बैलों की हड्डियाँ वगैरह मिले हैं, अर्थात ये संकेत है कि ये लोग बैल का उपयोग करते थे खेती के लिए, खेती कार्यों के लिए, खेत में हल चलाना दूसरे कार्यों के लिए बैल का ही उपयोग करते थे। इन्होंने खेती करने के लिए लकड़ी पत्थर और धातुओं से कई तरह के औजार विकसित कर रखे थे, जो ये खेती करने के लिए औजारों का प्रयोग करते थे। यह क्षेत्र अर्ध शुष्क है, सभी को पता है कि ये क्षेत्र
आप देख सकते हैं ये जो सिंधु नदी है इसके आसपास का क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र हम मानते हैं, राजस्थान और पंजाब का ये भाग है यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र मानते हैं, अर्थात ये अर्ध शुष्क सभ्यता थी। लेकिन फिर भी यहाँ की खेती उन्नत थी। इसका कारण ये था कि इन्होंने कई प्रकार के औजार बनाए। इसके अलावा इन्होंने खेती के लिए नहरों का भी नहरों की खुदाई की। सोर्तुगई से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, सोर्तुगई अफगानिस्तान में, लेकिन हमें पंजाब या राजस्थान में नहरों के अवशेष कम मिले हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि ये नदियाँ ये नहर जो है ये पानी से ये मिट्टी से नहर कई गाने की ये अब लुप्त हो गई है, तो ये नहरों का प्रयोग सिंचाई के लिए करते थे। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में कुएँ भी मिले हैं, अर्थात कुओं का भी सिंचाई के लिए इस्तेमाल जरूर होता होगा। धोलावीरा में जलाशय मिला है जो स्पष्ट संकेत है कि ये लोग जलाशय का भी खेती में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो इन्हें सिंचाई के बारे में ज्ञान था जिससे यहाँ की खेती उन्नत थी। तो प्यारे बच्चों, खेती में हम बता सकते हैं कि बैल का हमें उस समय ज्ञान था, बैल खेती कार्यों में बैलों का प्रयोग होता था। कई प्रकार के उन्होंने औजार विकसित कर रखे थे, जैसे हर टाइप के लकड़ी पत्थर और धातु का उनमें इस्तेमाल होता था। अर्ध शुष्क क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ अच्छी पैदावार होती थी, अच्छी खेती होती थी। क्यों? यहाँ नहरें थी, इन्हें नहरों का ज्ञान था। इसके अलावा कुएं थे और जलाशय थे जिससे ये सिंचाई करते थे। तो प्यारे बच्चों, आप समझ चुके हो इस पर मेन पॉइंट हमें याद रखना है कि पेड़ पौधों का ज्ञान था, खेती करने का ज्ञान था, कौन कौन सी खेती होती थी, गेहूँ जो दाल वगैरह की हमें याद रखना है। इसके अलावा मांस भी हमें ये मांस का प्रयोग भी करते थे जानवरों का याद रखना है। खेती के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे, औजार बना रखे थे और सिंचाई के साधन हमें पता होना चाहिए। सोर्तुगई में नहर के अवशेष मिले हैं, धोलावीरा में जलाशय के अवशेष मिले हैं। धन्यवाद।